गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन सिखाऊंगी। क्या सिखाऊंगी? पर्सनल प्रोनाउन। तो कल हमने आपका चैप्टर 6 द प्रोनाउन स्टार्ट किया था। तो प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। एक बार सभी बच्चे मुझे सर्वनाम की डेफिनेशन, मतलब प्रोनाउन की डेफिनेशन सुना दें, तो मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप भी एक बार रिविजन कर लेना मेरे साथ साथ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। एक बार फिर से रिविजन कर लो, मैं बोलती हूँ फिर से। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब हम, तो हमारी तीन प्रोनाउन होती हैं हमारे जो हैं उसमें, पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सी होती है? पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हम आपको पर्सनल प्रोनाउन सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम प्रोनाउन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन। सम प्रोनाउन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन, मतलब कुछ प्रोनाउन ऐसी होती हैं जो व्यक्ति की जगह पर, मतलब किसी भी पर्सन के स्थान पर यूज की जाती हैं। दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये कैसी प्रोनाउन कहलाती हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहलाती हैं। दे आर यूज इन 3 पर्सन। ये किसके लिए यूज होती है? तीन लोगों के लिए, मतलब तीन व्यक्तियों के लिए उपयोग होती हैं। दे आर यूज इन 3 पर्सन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सम प्रोनाउन्स आर यूज फॉर द स्पीकर। सम प्रोनाउन्स आर यूज फॉर द स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, स्पीकर मतलब बोलने वाला जो बोल रहा है। कुछ प्रोनाउन ऐसी होती हैं जो बोलने वाले के लिए उपयोग की जाती हैं। जैसे कि मैं अभी आपके सामने बोल रही हूं, तो मैं आपका फर्स्ट पर्सन हो गई, मैं प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन हो गई। दे आर इन द फर्स्ट पर्सन, वे क्या कहलाते हैं? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस। आई, माई, माइन, मी, माइन, वी, अवर, अस। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं किसके बारे में बात कर रही हूं? अपने बारे में। तो मैं ही बोल रही हूं ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं। आई एम गोइंग टू स्कूल, मतलब मैं स्कूल जा रही हूं। सेकेंड है, दिस बैग, दिस स्कूल बैग इज माइन। दिस स्कूल बैग इज माइन, यह है स्कूल का बैग, मेरा है। वहां पर कोई बैग रखा हुआ था। दिस स्कूल बैग इज माइन, मतलब यह है स्कूल बैग, मेरा है। चलिए थर्ड है आपका, माई ब्रदर गिफ्टेड मी, माई ब्रदर गिफ्टेड मी दिस बुक। माई ब्रदर, मेरे भाई ने गिफ्टेड मी, मुझे गिफ्ट की दिस बुक, यह है किताब। तो मेरे भाई ने मुझे यह किताब गिफ्ट की। तो यहां पर ये प्रोनाउन है, यहां पर ये प्रोनाउन है, और यहां पर ये प्रोनाउन है। चलिए अब यहां पर आपको फर्स्ट पर्सन सिखा रहे हैं हम। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बोल रहा होता है। अब यहां पर तो आप बात भी सिर्फ अपने बारे में ही कर रहे हो, तो आप फर्स्ट पर्सन हो, क्योंकि आप ही बोल रहे हो। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही हूं, तो मैं ही फर्स्ट पर्सन हूं। चलिए, वी कैन मीट देम, हम उससे मिले, हम उनसे मिले। इन द फेयर, मेला में, तो हम उनसे मेले में मिले। दीज रेड शर्ट्स आर अवर्स। दीज रेड शर्ट्स आर अवर, ये लाल शर्ट्स, ये लाल कमीज किसकी है? हमारी है। हम किसी को क्या बता रहे हैं? कि ये लाल शर्ट हमारी है। चलिए, द प्रिंसिपल टोल्ड अस। द प्रिंसिपल टोल्ड अस अ स्टोरी, तो प्रधानाचार्य ने क्या किया? हमें एक
स्टोरी बताई या सुनाई। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पर्सन पर। फर्स्ट पर्सन हम उसके लिए यूज करते हैं जो बोल रहा होता है। अब हम आ गए सेकंड पर्सन। सम प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द लिसनर। अब क्या हो गया, जो व्यक्ति सुन रहा है। मैंने बोला और आपने सुना, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन और आप कौन सा पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन। सम प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द लिसनर, मतलब कुछ प्रोनाउन ऐसी होती हैं जो सुनने वाले के लिए यूज की जाती हैं। किसके लिए यूज की जाती हैं, सुनने वाले के लिए यूज की जाती हैं। द पर्सन स्पोकन टू, यह क्या कर रहा है, यह हमारी बात सुन रहा है और हमसे, हम मतलब हम दो लोग बात कर रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन और आप सेकंड पर्सन। चलिए दे आर इन द सेकंड पर्सन, ये कैसे पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू योर्स, यू योर्स, ठीक है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। यू कैन टेक इट, यू कैन टेक इट, तुम इसे ले सकते हो। मदर कुक्ड दिस पिज्जा फॉर यू, मदर कुक्ड दिस पिज्जा फॉर यू, मतलब मदर कुक्ड दिस पिज्जा फॉर यू, मम्मी ने तुम्हारे लिए यह पिज्जा बनाया, मम्मी ने तुम्हारे लिए यह पिज्जा बनाया। Could I used the phone of yours, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती थी, बताइए क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती थी। तो यहाँ पर भी क्या है, फोन किसका था, तुम्हारा, तो यहाँ पर हम सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, किसकी, मैं हो गई मैं, मतलब बोलने वाली, अब आप हो गए सुनने वाली। अब हम किसकी बात करेंगे, थर्ड पर्सन की बात करेंगे। चलिए अब थर्ड पर्सन क्या होता है देखते हैं। सम प्रोनाउंस आर यूज फॉर अदर पीपल और थिंग्स, मतलब कुछ ऐसी प्रोनाउन होती हैं जो दूसरे व्यक्ति या चीजों के लिए यूज होती है, जो दूसरे लोगों या चीजों के लिए यूज होती है। जैसे जो फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन होती है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं। सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउन होती हैं वो किसके लिए हम यूज करते हैं, सिर्फ आपके लिए, किसी भी अपने जो भी हमारे पास है, जिससे भी हम बात कर रहे हैं उसके लिए यूज करते हैं। और थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन होती हैं वो हम दूसरे व्यक्ति के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, किसी और के बारे में, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन है। चलिए दे आर इन द थर्ड पर्सन, ये कैसे पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर्स, देम, ओके। चलिए शी हैज गिवन हिम, शी हैज गिवन हिम अ न्यू पेंसिल, शी हैज गिवन हिम अ न्यू पेंसिल, उसने उसे एक नई पेंसिल दी है। तो देखिए उसकी बात चल रही है ना, मैंने आपसे बोला कि उसने उसे एक नई पेंसिल दी है, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको बताई ये बात, तो आप हो गए सेकंड पर्सन। पर हमने बात किसके बारे में की, उसके बारे में, उसने उसे एक पेंसिल दी है, बोला ना, तो ये कौन हो गया, थर्ड पर्सन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं। ही कैन नॉट स्पीक टू हर, ही कैन नॉट स्पीक टू हर, वह उससे बात नहीं कर सकता, वह उससे बोल नहीं सकता। अब वो नहीं बोल रहा आपसे, मैं बोल रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं, वह उससे बात नहीं कर सकता, आप भी नहीं बोल रहे उससे, मैं भी नहीं बोल रही, पर हम दोनों बात किसके बारे में कर रहे हैं, उसके बारे में, तो वो कौन है, थर्ड पर्सन। चलिए दिस बैग इज देयर्स, यह बैग उनका है। दे शुड टेक इट, उन्हें लेना चाहिए, किससे, उनसे, विथ देम, तो उन्हें ये बैग उनका है, उन्हें ये बैग उससे, उनसे ले लेना चाहिए। चलिए लास्ट सेंटेंस, इट इज द लेटेस्ट न्यूज, इट इज द लेटेस्ट न्यूज, मतलब यह एक लेटेस्ट खबर है, नई खबर है बिल्कुल। चलिए तो आपको समझ आया कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होती है। पर्सनल प्रोनाउन दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के स्थान पर जो भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन।
पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा कौन? जिसके बारे में बात की जा रही है। ओके, चलिए अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाती हूँ। तो अब हम आपको टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, मैंने एक टेबल बनाई है पर्सनल प्रोनाउन की, तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड पजेसिव। चलिए, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज फॉर सब्जेक्ट्स, जो प्रोनाउन हम सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है फर्स्ट पर्सन में? आई, वी। अब हम जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर ऑब्जेक्ट, वो होती है मी एंड अस। आई, मी एंड माई, पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गई? माई। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको इसमें हम अपनी ओनरशिप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? ओनरशिप। चलिए अब सेकेंड है बी अस अवर। आपको बता दें आई जो होती है वो सिंगुलर पर्सन के लिए यूज की जाती है और बी जो होती है वो प्लूरल पर्सन के लिए यूज की जाती है। अब हम सेकेंड पर्सन पर चलते हैं। तो सेकेंड पर्सन है हमारा यू, यू योर। सब्जेक्टिव क्या होता है उसका? यू। ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? यू। एंड पजेसिव में क्या हो जाता है? योर। तो जो हमारा सेकेंड पर्सन होता है उसके लिए हम कौन सा सब्जेक्ट यूज करते हैं? यू। जैसे अगर मैं आपसे कोई बात करूंगी तो मैं आपसे यू करके बोलूंगी ना, जैसे यू आर इंटेलिजेंट बॉय, तो मैंने यू करके बात की ना। तो जो भी हमारा सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट यूज होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? यू। यू आपका सिंगुलर प्रोनाउन में भी यूज हो जाएगा और प्लूरल प्रोनाउन में भी। चलिए अब हमारा है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में है आपका है ही, शी, दे, इट। अब हमें यहाँ पे चार प्रोनाउन दी हुई है सब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो ये चारों हमारी सब्जेक्ट के लिए यूज होंगी, ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव मतलब जो भी सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, यूज फॉर सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज फॉर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। एंड लास्ट है हमारी पजेसिव प्रोनाउन, जो भी हमारी जिसमें हम अपनी ओनरशिप दिखाएंगे। क्या दिखाते हैं? ओनरशिप दिखाते हैं, तो वो होती है हमारी पजेसिव प्रोनाउन। चलिए तो हम थर्ड पर्सन पे थे, तो थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, ये हमारी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो क्या होता है, जो हम ही होता है वो हम किसी भी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बात करते हैं तो हम ही लगाते हैं, लेकिन सिंगुलर में। जब हम सिंगुलर पर्सन के लिए और वो अगर मैस्कुलिन है तो हम ही लगाएंगे, अगर वो क्या है फेमिनिन है तो हम शी लगाएंगे। ऐसे ही यहां पर है, अगर वो मैस्कुलिन है तो हम हिम लगाएंगे और अगर वह क्या है फेमिनिन है तो हम हर लगाएंगे। यहां पर भी यही है। दे हम प्लूरल के लिए यूज करते हैं, दे हम किसके लिए यूज करते हैं? प्लूरल के लिए। और जो हमारा इट होता है वो किसी भी थिंग के लिए यूज करते हैं हम, किसके लिए यूज करते हैं? किसी भी चीज के लिए, थिंग के लिए। ये मैं सोचती हूँ कि आपको समझ आया होगा। चलिए तो आपको आ गया, आपको प्रोनाउन का चार्ट अब क्या करना है, अपनी नोटबुक पर लिखना है। क्या करना है? जो चार्ट मैंने आपको सिखाया है अभी, वही चार्ट आपको अपनी नोटबुक पर बनाना है। बाय बाय।